Hello everyone, welcome back to our PYQ series, welcome back to our revised 2A's program. So today again we are going to discuss very important topic of geography. Geography ka ye question PYQ bhi hai aur kuch aur bhi surprise hai aap logon ke liye. So let's have a look. So we are going to discuss about Barak River tributaries, we are going to discuss about Koshiara River treaty. To kya hai treaty? Discuss karenge. So here we have this question, consider the following statements. The Koshiara River is a distributary of Barak River. Barak River originates in Manipur. How many of the statements is or are correct? One only is correct, two only is correct, both or none? Now you must be surprised, ye koi PYQ to hai nahi, ye kisi exam mein pucha gaya hai. So ye kisi exam mein nahi pucha gaya hai, ye maine khud banaya hua hai. This question has been framed because of some reason. और वो रीजन क्या है? तो ये करंट अफेयर्स में सर, तो दिया प्रीलिम्स और पीवाईक्यू को मर्ज किया गया है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, वो देखते हैं क्या है. सो यू लेट मी नो योर स्टैंड, क्या सही है क्या गलत है और व्हाई. एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट, वी आर डिस्कसिंग इट बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज इट वॉज द रिवर इन न्यूज. एंड दिस रिवर इन न्यूज वॉज व्हाई इज कोशियारा रिवर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट इट इज अ ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. सो व्हाई दिस ट्रीटी इज इंपॉर्टेंट. देन Delhi Dhaka signed river pact first in 25 years. Prime Minister Hasina praises Prime Minister Modi. So ye deal jo hai September month mein sign hui hai. This is about Koshiara river. Ab Koshiara river ki deal hui hai to hame pata hona chahiye ki Koshiara river hai kya aur kyun important hai. Theek hai, India aur Bangladesh ke beech mein hui hai. So if we talk about Koshiara river, to Koshiara river ko dekhte hain kahan pe hai. सो हेयर वी हैव बराक इंडिया. येलो पोर्शन जो दिख रहा है वो इंडिया की बाउंड्रीज हैं. कुछ यहाँ पे जो बराक है, बराक दो पार्ट में बढ़ता है. वन इज सूरमा एंड द अदर इज कोशियारा. एंड जो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज बन रही हैं, दिस दैट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ बराक, इट इज दे आर गेटिंग फॉर्म्ड इन बांग्लादेश. और सुरमा रिवर, फाइनली सुरमा रिवर ऐसे आती है एंड देन कोशियारा रिवर फिर से आती है, दोनों फिर से मिलते हैं एंड देन दे आर गोइंग एंड मर्जिंग इन मेघना रिवर. सो हियर गंगा इज कमिंग, हियर ब्रह्मपुत्र इज कमिंग एंड टुगेदर दे फॉर्म दिस रिवर कॉल्ड एज मेघना. सो बराक डिस्ट्रीब्यूटरी, बराक दो पार्ट में बढ़ता है. सुरमा अपर पार्ट, द नदर्न पार्ट इज सुरमा, द सदर्न पार्ट इज कोशियारा. दोनों फिर से मिलते हैं और एक रिवर बन के वो मेघना में मिलते हैं. हेयर गंगा विच इज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश, देन ब्रह्मपुत्र विच इज नोन एज जमुना. वो जमुना, पद्मा एंड बराक रिवर की जो दोनों डिस्ट्रीब्यूटरी फाइनली मिलकर एक रिवर बनाती है, दे टूगेदर मर्ज एंड दे फॉर्म, और दे यू कैन से दे आर मर्जिंग इन टू मेघना. सो कोशियारा रिवर तो डिस्ट्रीब्यूटरी हो गया. नाउ द सेकंड पार्ट वाज, क्या बराक रिवर मणिपुर में ओरिजिनेट होता है? यस और नो? काफी लोगों को यह भी कंफ्यूजन है. मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव दिस कंफ्यूजन दैट बराक रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र. नो वे, देख लेते हैं. सो बराक रिवर, बराक रिवर इफ वी से देन दिस इज मणिपुर, ये मणिपुर की बाउंड्री है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ मणिपुर एंड बराक रिवर इज ओरिजिनेटिंग हेयर. It is going, tracing, finally सारे असम से, बाकी ट्रिब्यूटरीज मिजोरम से, त्रिपुरा से निकलते हुए, this is मेघालय also, here we have असम, here we have so the ये सारे स्टेट्स पे उसका रिवर बेसिन है. And it is going like this. Finally, you can see river Surma and river Koshiara, Bangladesh mein wo distributary. So Barak river is originating in Manipur. That statement is also correct. Koshiara river is distributary of Barak river. That statement is also correct. Along with this, you should know the tributaries of Brahmaputra. Barak river. Tributaries of Barak river. Left bank tributary, right bank tributary. So here for your understanding. लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी सोनाई, सोनाई, सो सोनाई रुकनी घाघरा. सो हियर वी हैव सोनाई, आई विल शो यू विद द मार्कर. सो हियर वी हैव सोनाई रुकनी घाघरा. घाघरा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर. जनरली एक घाघरा यूपी में भी है जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? अल्टीमेटली वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है. सरयू रिवर को घाघरा रिवर भी बोलते हैं. सो घाघरा इज देयर एज वेल. Then we have Katkhai. Katkhai is here. So these are left bank tributaries. Then we have Singla and Longai. So this is Longai, this is Singla. And another river in between is there, Dhaleshwari.
सो क्या क्या हो गए, सोनाई, रुकनी, घाघरा, योर काटखाल, देन ढालेश्वरी, सिंगला, लौंगाई। एक बार यहां पे देख लेते हैं, सोनाई, रुकनी, घाघरा, काटाखाल, सिंगला, लौंगाई एंड ढालेश्वरी, ये मैंने इसी ऑर्डर में ही रखा है। एक बार और देखोगे आप अपने लेवल पे याद हो जाएंगी चीजें। दीज आर दी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ बराक। देन वी हैव राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ऊपर से आ रही हैं। कभी भी बैंक निकालना है तो क्या है, वाटर जिस फ्लो में, जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उस डायरेक्शन में आप स्विम करो और लेफ्ट और राइट उसके हिसाब से देख लो। देन वी हैव राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जिरी, चिरी, मधुरा, जटिंगा, मरांग। सो दीज आर दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ बराक रिवर विच आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। यहां पे देख लेते हैं, जिरी, चिरी, मधुरा, जटिंगा एंड मरांग, ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। और बराक रिवर है कहां ओरिजिनेट कर रहा है, बराक रिवर इज ओरिजिनेटिंग वेयर, इट इज ओरिजिनेटिंग इन मणिपुर, ये भी हमने देख लिया। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि क्वेश्चन तो कुछ और था और व्हाई वी आर डिस्कसिंग द ट्रिब्यूटरीज, यू विल गेट टू नो। सो अगर हम क्वेश्चन फिर से देखें, द कुशियारा रिवर इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ बराक रिवर, यस दिस इज ट्रू, बराक रिवर ओरिजिनेट्स इन मणिपुर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, टू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द आंसर इज सी, ये हो गया। दिस वॉज द क्वेश्चन फ्रॉम द करेंट अफेयर्स। नाउ इफ देर इज अनदर क्वेश्चन विच इज फ्रॉम पी वाई क्यू, देन हाउ वी विल टेक दैट क्वेश्चन, सो फॉर दैट वी शुड नो द ट्रिब्यूटरीज। तो एक बार और फिर से देख लेते हैं, मणिपुर में ओरिजिन कर रहा है बराक रिवर, और जिरी, चिरी, मधुरा, जटिंगा, मरांग देख लिया हमने, दिस ग्रीन कलर सुरमा एंड कुशियारा दे आर डिस्ट्रीब्यूटरी, देन ढालेश्वरी, लौंगाई, सिंगला, काटखाल, रुकनी, सोनाई, ठीक है, सोनाई, रुकनी, काटखाल, ढालेश्वरी, सिंगला, एक कछुआ रिवर भी है लौंगाई, बट ये जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया और वट एवर इज हेयर, दीज आर दी मेन ट्रिब्यूटरी, मेजर ट्रिब्यूटरीज, सो वी शुड रिमेंबर दिस। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पी वाई क्यू फॉर यू, सो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर इन मणिपुर। अब इस क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए दो तरीके की प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है, क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर इन मणिपुर। इसको एक तरीके से यह पढ़ा जा सकता है कि बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी मणिपुर में कौन सी है, यह एक इंटरप्रिटेशन होता है। दूसरा इंटरप्रिटेशन होता है, बराक रिवर विच इज ओरिजिनेटिंग इन मणिपुर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर विच इज ओरिजिनेटिंग इन मणिपुर, दूसरा इंटरप्रिटेशन यह है। बट हमें इंटरप्रिटेशन पे जाना ही नहीं है, इंटरप्रिटेशन पे तब जाना है जब बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं बराक रिवर की दी है। अभी इसमें क्या करना है, इवन इफ यू डोंट नो अबाउट बराक रिवर ट्रिब्यूटरीज स्टिल यू कैन गेट दिस आंसर करेक्ट, लेट्स सी हाउ। मानस एलिमिनेट करो, मानस रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, धनसिरी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, बचा क्या आंसर, ढालेश्वरी। ढालेश्वरी वी हैव सीन इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर, बट द इंटरप्रिटेशन वॉज द फर्स्ट वन, दैट बराक रिवर विच इज सेकेंड वन, द बराक रिवर विच इज ओरिजिनेटिंग इन मणिपुर उसकी ट्रिब्यूटरी कौन है, ढालेश्वरी है। बिकॉज अभी जितनी हमने ट्रिब्यूटरीज देखी हैं उसमें से राइट बैंक की कुछ ट्रिब्यूटरीज मणिपुर में ओरिजिनेट होती हैं, बट दे आर नॉट मर्जिंग और दे आर नॉट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ बराक रिवर, दे आर नॉट मर्जिंग विद बराक रिवर इन मणिपुर, दे आर मर्जिंग विद बराक रिवर इन असम और इन समवेयर एल्स, मोस्टली इन असम, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज दे आर ओरिजिनेटिंग, जैसे जटिंग हमने देखा इट इज ओरिजिनेटिंग इन फ्रॉम मणिपुर बट नॉट मर्जिंग विद मणिपुर विद बराक रिवर इन मणिपुर। सो ये इंटरप्रिटेशन भी कभी कभी ध्यान रखना। हाउएवर दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इवन इफ यू डोंट नो द ट्रिब्यूटरीज ऑफ बराक रिवर, बट हमें पता होना चाहिए कुशियारा रिवर उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, ट्रीटी साइन हुई है, करंट अफेयर्स से इसका लिंकेज है। सो ये पीवाईक्यू दूसरे फॉर्म में आ सकता है सिविल सर्विसेज में, प्रीलिम्स में, सीडीएस 2022 दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। एंड अनदर मेजर थिंग विच यू शुड नो, जो ड्रेनेज एरिया है ऑफ द रिवर बेसिन ऑफ बराक रिवर, स्टेट वाइज यू शुड नो, मेघालय हाउएवर इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मणिपुर बट मेघालय में उसका ड्रेनेज बेसिन काफी ज्यादा है, मणिपुर सेकेंड नंबर, देन मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड। नाउ अभी इससे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ द क्वेश्चन कम्स दैट
रिवर और द ड्रेनेज बेसिन ऑफ बराक रिवर ऑल्सो ऑक्यूपाइज और इज ऑल्सो ऑल्सो कवर्स नागालैंड. सो यस, अभी देखो, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड. ओनली सिक्किम इज नॉट देयर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अरुणाचल प्रदेश इज नॉट देयर. नागालैंड इज देयर, मणिपुर इज देयर, मिजोरम इज देयर, त्रिपुरा इज देयर, मेघालय इज देयर, आसाम इज देयर. छह तो है ही. आउट ऑफ सेवन सिस्टर अरुणाचल इज नॉट देयर. सेवन प्लस वन सिक्किम इज नॉट देयर. सो बराक रिवर इज इतनी इंपॉर्टेंट रिवर कि उसका ड्रेनेज बेसिन, उसका जो रिवर बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन है, इट इज ऑक्यूपाइंग, इट इज कवरिंग द स्टेट्स, ऑल द सिक्स स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. नागालैंड में सबसे लीस्ट है, सबसे ज्यादा मेघालय में है, ओरिजिनेट मणिपुर में कर रही है. वी हैव सीन द ट्रिब्यूटरीज, वी हैव सीन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, वी हैव सीन दैट व्हाई द वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ बराक रिवर वॉज इन न्यूज. सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी फॉर्म. सो वी हैव सीन दिस क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटरी, ओरिजिन इन मणिपुर, ये भी ध्यान रखना, और क्यों है न्यूज में, बांग्लादेश के साथ हमारी डील हुई है इस वजह से न्यूज में है. एंड वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर इन मणिपुर, धालेश्वरी, ये भी हमने देख लिया. ठीक है, सो आई होप यू ऑल इंजॉयड दिस बिकॉज इट्स ऑल सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन. और किस तरीके का इंटरप्रिटेशन करते हैं उससे पहले तो नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज या तो इंटरप्रिटेशन कर भी लेते, आंसर आप पा जाते अगर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज आपको पता है. अदरवाइज इट्स ऑलवेज गुड टू हैव नॉलेज, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव नॉलेज. यू कैनॉट गो एंड रिलाई ऑन योर एलिमिनेशन, वी शुड नॉट रिलाई ऑन अवर इंट्यूशन. इट्स ऑलवेज गुड, सेफर टू हैव नॉलेज. अभी इसके साथ एक होमवर्क है, एंड दोज हु आर सीरियसली फॉलोइंग दिस सीरीज, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कॉमेंट द ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. दो रिवर नॉर्थ ईस्ट की मेजर रिवर्स हमने कवर कर लिए. ठीक है, दिस इज इट गाइज. इन टूडेज वीडियो वी हैव सीन अ PYQ, वी हैव सीन द करंट अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरलिंकिंग ऐसे ही करना है. Whenever you are covering, this is a kind of 360 degree analysis you have to do. And precisely what that is what we are doing in our current affairs course. Bahut acche se course aa raha hai. We are doing lot of static linkage. We are doing lot of PYQ linkage. Revision friendly notes are being provided. Interactive session is happening. You can watch at your own convenience. Recorded videos hain. So don't take any risk in the current affairs. Yaad rakhna hai. Cheezon ko exam oriented rakhna hai. So you can join this course. And अभी लास्ट के डेज हैं इसलिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, सी यू गाइज, वी विल मीट इन अनदर वीडियो. टेक केयर, बाय बाय.